Hello students, now see the exercise 8.6 question number 3rd, 4th and 5th, right? इसके पहले मैंने आपको exercise का question number 1 और 2 share किया हुआ था. अब question number 3, 4 और 5 का solution मैं आपको explain करूंगा, फिर आपको share करूंगा. देखो ध्यान से, question को अच्छे से read करो. इसमें दिया हुआ है, the rate of growth of bacteria is proportional to the number of bacteria present. बराबर? तो क्या assume करेंगे हम लोग? Let the X be the bacteria present at time t. बराबर? Let X be the bacteria present at time t. मतलब time t है, तो bacteria कितना है? X है. अब किस पे depend question है? The rate of growth of bacteria is proportional to the bacteria at time t. तो क्या आएगा? Rate of growth of bacteria dx upon dt at time t is proportional to the number of bacteria present at that time. बराबर? Time t पे जितना bacteria था उसके proportional में है. तो dx upon dt is proportional to x. Right? इसका second step होता है dx upon dt is equal to kx, where k is the constant. फिर arrange करेंगे इसको दो. तो dx upon x, x यहाँ पे आएगा तो dx upon x हो जाएगा, dt वहाँ पे जाएगा तो k into dt हो जाएगा. बराबर? ये variable arrange हो गया. Integrating both the sides, 1 upon x dx, k into integration of 1 dt. अब integration of 1 upon x का क्या होता है? Log of mod of x is equal to k, 1 का होता है with respect to t हो जाएगा t, plus c करके close कर दिया. बराबर? अब यहाँ log का base नहीं दिया हुआ था, क्या होता है? नेचुरल लॉग का बेस कितना होता है? ई. लॉग फॉर्म में है, मैंने आपको बार बार बताया है, लॉग फॉर्म में रहेगा तो उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करने का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू, यहाँ का बेस जो है, यहाँ का बेस ई होता है, बराबर, ई रेस टू के टी प्लस सी. ई रेस टू के टी प्लस सी. बराबर? अभी प्लस में है, प्लस का मतलब ये होता है पावर में अगर प्लस है तो उसका बेस सेम होता है, दोनों का बेस सेम होगा. तो मैं ले सकता हूँ इसको e raise to kt into e raise to c. बराबर? प्लस को हटा दिया, e raise to kt into e raise to c. पहले भी आपको बताया हुआ है, ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मिल गया आपका फर्स्ट. बराबर? अब ये मेन इक्वेशन आपका, बराबर, दिया है इनिशियली. जब भी इनिशियल इनिशियल स्टेज रहता है तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट जब रहते दिया रहेगा तो इनिशियल टाइम जीरो हमेशा लेते हैं हम लोग. इसके पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, लेकिन यहाँ पे कैसा दिया है, लिखा है इनिशियली कितना था बैक्टीरिया? 1000. तो t इज इक्वल टू जीरो तो बैक्टीरिया कितना है? 1000. तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग? फर्स्ट में रखेंगे. फ्रॉम वन, x इक्वल टू e रेस टू kt इनटू e रेस टू c. x के प्लेस पे 1000, इक्वल के प्लेस पे इक्वल e रेस टू k इनटू जीरो इनटू e रेस टू c. k इनटू जीरो बिकम्स जीरो. तो e रेस टू जीरो, इफ एनी नंबर हैविंग पावर वन जीरो, इट बिकम्स वन. ये रूल से 1000 is equal to e raised to 0 means 1 into e raised to c as it is रहेगा. तो 1 into e raised to c कितना आएगा? e raised to c आएगा, is equal to कितना आएगा? 1000. ये हो गया आपका second. e raised to c का value कितना आ गया? 1000. अब दिया है उसके अंदर question में, आप read करोगे तो when time t 1 hour है तो bacteria पहले से double हो जाता है. 1 hour में क्या मिलता है? Bacteria double होता है, वहां पे दिया हुआ है. तो क्या आएगा? 2 इंटू 1000. पहले कितना था? 1000 था इनिशियल में, अब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1000, मतलब कितना हो जाएगा? 2000. आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो तो आपको क्लियर होएगा. फिर हम लोग टी का वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे? 2000. फ्रॉम फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू के इंटू टी के इंटू 1 ई रेस टू सी. 2000 के इंटू 1 कितना आएगा? के k आएगा e raise to k, 1000 यहाँ से अपॉन में कर दो तो 1000 टू जा 2000 e raise to k इज इक्वल टू कितना हो गया? 2. ये हो गया आपका सेकंड. बराबर? फिर पूछा है अगर टाइम 5/2 हो तो, अगर टाइम क्या हो? 5/2 हो तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो? बराबर? फर्स्ट का यूज करेंगे इसके अंदर भी हम लोग. फ्रॉम फर्स्ट, x इक्वल टू e raise to k t into e raise to c. x equal to पूछा ही है, it is रहेगा e raise to k into t का वैल्यू दिया है 5/2 into e raise to c, ऐसे रखा केवल t का वैल्यू रखा अभी.
अब इसको हम मैं ऐसा ले सकता हूँ e रेस टू के इंटू फाइव बाई टू, ऐसा अरेंज कर सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम होता है, e रेस टू c के प्लेस पे 1000 फ्रॉम सेकेंड। अब e रेस टू k का वैल्यू कितना मिला हमको, 2 मिला है, तो हम मैंने लिख दिया 2 रेस टू 5 बाई टू, बराबर। अब 5 बाई टू में 1 बाई टू को मैं बाहर ले सकता हूँ, बराबर, इसके साथ में 2 रेस टू हाफ रेस टू 5 इंटू 1000। 2 रेस टू हाफ का मतलब होता है रूट 5, रूट 2, रेस टू हाफ मतलब रूट में हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेस टू 5000, स्क्वायर रूट 2 करोगे तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 फोर टाइम है, तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 इसका हो जाएगा 2, ये दोनों का हो जाए, ये दोनों का हो जाएगा 2, बचेगा रूट 2, तो 2 जा 4 रूट 2, तो लिख दिया 4 रूट 2 इंटू 1000। अब रूट 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो आप, ये है 1.414, तो 4 इंटू 1.414 इंटू 1000, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 जा 16, 41 जा 415, 44 जा 16, 41 जा 415 इंटू 1000, 1000 से मल्टीप्लाई 30 आगे बढ़ाओगे तो 0.3 स्टेप आगे जाएगा, मतलब बचेगा 5656, दैट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ही सबसे ज्यादा मार्किंग वाला है, इसका प्रैक्टिस आप बार बार करते रहो, अगर ये अगर आपको अच्छे से आता रहेगा तो बाकी बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल में आप उसको नहीं करोगे तो भी चलता है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बाकी सब चैप्टर में लेंदी है, मतलब इसमें ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, जल्दी हो जा रहा है, आपका टाइम भी बचेगा, पेपर भी ढंग से पूरा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा, इसलिए इस चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार करो, हर एक क्वेश्चन में इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट टाइम टी गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू दैट पॉपुलेशन एट दैट टाइम and that is of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000, मतलब यहाँ भी क्या ग्रोथ हो रहा है, population ग्रोथ हो रहा है, find करना है, find the population of city at time t, last में मतलब यहाँ पे time t का value नहीं दिया हुआ, बाकी सब question में कैसे t का value दिया था हमको exact answer मिलता था, single answer, यहाँ पे आपको single answer नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम टी दिया हुआ है, टाइम 2 years, 3 years, 2 hours, 3 hours, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट, तो हमको आंसर टी फॉर्म में मिलेगा, पॉपुलेशन किसमें मिलेगा, टी फॉर्म में मिलेगा, राइट। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अज्यूम करेंगे हम लोग लेट एक्स बी द पॉपुलेशन एट टाइम टी, देयर वर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, डीएक्स अपॉन डीटी विद रिस्पेक्ट टू टी प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो dx upon dt is equal to kx, k is the constant, x को population है और time t है, तो rate of change of population क्या होगा, dx upon dt proportional to x, therefore dx upon dt is equal to kx, पता ही हमको, variable arrange करेंगे तो dx upon x equal to k into dt, integrating both the sides, 1 upon x dx into k constant का बाहर ले लिया, 1 dt बचा, with respect to x का integration 1 upon x का क्या आता है, log x, पता ही है, k 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t होगा t प्लस c करके क्लोज कर दिया। अब log x equal to kt plus c, बार बार क्या करते हैं इसमें हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल log का बेस क्या होता है e, बराबर, जब चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो e raise to kt plus c, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा x, दैट मींस x equal to e raise to kt plus c, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैंने 4 क्वेश्चन बताया, चारों में बार बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना इस पे, therefore x equal to क्या होगा, a प्लस में है तो क्या होगा, इंटीजर्स का रूल्स क्या होता है, अगर प्लस होता है तो नीचे बेस सेम होता है, उसको इनटू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो e raise to kt into e raise to c हम इसको ले सकते हैं, तो हो गया आपका फर्स्ट, बराबर, इतना तो आपको आना ही चाहिए, 4 क्वेश्चन बताया, 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इनिशियल
टाइम कितना लेना पड़ेगा, जीरो, दिया है पॉपुलेशन 30,000 से 40,000 हुआ है इनिशियली, तो व्हेन t इज इक्वल टू जीरो पॉपुलेशन कितना था 30,000 था, बराबर। अब कितने टाइम में वो 40,000 हुआ है वो नहीं दिया उसके अंदर, तो फ्रॉम फर्स्ट t इज इक्वल टू जीरो ले लो और x इक्वल टू कितना पॉपुलेशन कितना 30,000, फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू e रेस्ट टू kt इनटू e रेस्ट टू c, 30,000 इज इक्वल टू e रेस्ट टू k इनटू 0, t का वैल्यू 0 रखा, इनटू e रेस्ट टू c एज इट इज रहेगा, k इनटू 0 बिकम्स e रेस्ट टू 0, राइट। अब क्या हो जाएगा, 30,000 इज इक्वल टू e रेस्ट टू 0 के प्लेस पे आएगा 1 इनटू e रेस्ट टू c एज इट इज रहेगा, बराबर। देयरफॉर e रेस्ट टू c हो गया आपका 30,000, ये हो गया आपका सेकंड, ए फर्स्ट और ए सेकंड। अब क्या दिया है क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 40 इयर्स मतलब टाइम कितना है इस बार 40 है, तो पॉपुलेशन कितना 30 से कितना हो गया 40, 30,000 से कितना हो गया 40,000, फ्रॉम फर्स्ट यूज करेंगे ऑफिस टी के प्लेस पे कितना लेंगे 40, एक्स इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी, 40,000 एक्स के प्लेस पे ई रेस टू के इंटू 40, ई रेस टू सी का वैल्यू आया है वहां पे 30,000। अब अपॉन करोगे तो 4 टाइम 0 कैंसिल हो गया, बचा 4/3, तो e रेस टू 40 k इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3, बराबर। अब हर बार हमको क्या मिलता था, यहाँ पे e रेस टू 40 k का वैल्यू मिल जाता था, यहाँ पे जो e रेस टू के जो भी रहता था उसका वैल्यू हमको मिलता था, यहाँ e रेस टू 40 k मिला हुआ है। अब जो पूछा हुआ है टाइम t होगा, दिया है टाइम t है तो पॉपुलेशन कितना होगा, मतलब हमको टाइम कितना लेना है, टी लेना है, तो टी तो है नहीं यहाँ पे, तो हमको किसी भी हालत में इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो टेकिंग पावर टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों का पावर टी कर दिया, यहाँ भी ले लिया टी, यहाँ भी ले लिया, राइट। उसको सही फॉर्म में लिखोगे तो ई रेस टू के टी चल जाएगा, ई रेस टू के टी 40 देखो ऊपर जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ क्या मल्टीप्लाई करो तो आपको ही मिला के टी इंटू 40 मिलेगा, राइट, 4/3 रेस टू टी। अब यहाँ 40 है, ये 40 का हमको e रेस टू के टी का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर, e रेस टू के टी मिलेगा तो हम लोग इसके अंदर रखेंगे तो और इसका सोल्यूशन हमको मिल जाएगा, राइट। e रेस टू के टी से 40 हटाना है तो 40 मतलब 140 स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, तो टेकिंग पावर 1/40 ऑन बोथ द साइड, 1/40 पावर ले लिया, e रेस टू के टी इंटू 40 इंटू 1/40, 4/3 टी पावर लेगो तो 1/40 ऐसे रहेगा, तो 40 से 40 कैंसिल, तो e रेस टू के टी इंटू 1 हो जाएगा, 40 कैंसिल, बचा कितना 1, तो 4/3 इक्वल टू इसका t अपॉन 40, हमको यही चाहिए था, kt इंटू 1 बिकम्स e रेस टू kt इक्वल टू 4/3 t अपॉन 40, ये हो गया आपका e रेस टू kt का वैल्यू, बराबर। अब e रेस टू kt मिल गया, पूछा क्या है पॉपुलेशन, तो x इक्वल टू e रेस टू kt यही पूछा हुआ है लास्ट में, e रेस टू kt इंटू e रेस टू c, e रेस टू c मिला हुआ था, ये वैल्यू हमको नहीं मालूम, ये वैल्यू हमने सॉल्व किया। अब x इक्वल टू 4/3 t अपॉन 40 हो जाएगा, राइट, इनटू e रेस टू c दिया है 30,000, बराबर। अगर यहाँ पे t दिया होता तो हमको डायरेक्ट सिंगल आंसर मिलता, लेकिन t विद रिस्पेक्ट टू t दिया हुआ है, एट टाइम t पे कितना पॉपुलेशन होगा वो पूछा हुआ है, तो हमको आंसर इसी फॉर्म में मिलेगा, तो x इक्वल टू 30,000 सही लिख लिया, इनटू 4/3 t अपॉन 40, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैंने 1, 2, 3, 4 आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करो, खुद से सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अब आप प्रैक्टिस करो, इसका मिसलेनियस करो, जो भी डाउट रहेगा वो मैं आपका डाउट क्लियर करते रहूँगा।